तूने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, ब्रेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो करवो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हेलो 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 माइक चेक हेलो। अब मैं कैसा बेवकूफ आदमी हूँ, मेरी आवाज इतने नजदीक से मुझे ही नहीं आ रही। भाई अभी तो नहीं लगा। हेलो 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 बाबा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बाबा की तारीफ क्या है, जितनी करो कम है, करे 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 करे। नहीं बाबा मैं वो तारीफ वाली बात नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है बाबा। तो ये बोलो ना, ये तो पहले आपने नहीं पूछा था मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे तो तुम मुझे डॉक्टर लग रहे हो, लेकिन ये इधर उधर घूर के देख रहे हो तो लग रहा है कि तुम कहीं केडीए में हो या कोई ठेकेदार हो। बाबा आपकी ज़हनियत में मैं दाद दूं, बिल्कुल मैं डॉक्टर हूँ। वाह 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 बाबा। बाबा किस चीज के डॉक्टर है आप? हर चीज का डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, जानवरों के डॉक्टर है आप। क्या आपके जहन को दाद दो कसम अल्लाह, बाकी सही पहचाना आपने। वाह 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 बाबा, तुम तो बड़े काम के आदमी हो, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो। मैं लेके जा रहा हूँ। अरे बाबा मेरे घर चलो, मैं तुमको नाश्ता वास्ता कराऊंगा ना, खाना वाना खिलाऊंगा। अच्छा हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माले मुफ्ता दिले दे रहा। अरे यार हर वक्त कोई ना कोई आया ही होता है। चलो बाबा चलो चलो, आ जाओ इधर आ जाओ। अरे इधर मौलाना साहब, आप फिर आ गए? क्या मतलब है फिर आ गए, क्या कभी ज्यादा आता जाता रहता हूँ क्या? सच पूछे तो जाते कम है आते ज्यादा है। बकवास बंद करो, इसे मिलो। मौलाना साहब खैरियत तो है, ये डॉक्टर साथ लेके घूम रहे? अरे बेवकूफ, ये जानवरों का डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, जरीना और बच्चे से मिलाने आए होंगे। तो मिलवाया किससे है मैंने? मुझसे। जवाब मिल गया ना तुमको? ये तो फिर बेइज्जती हुई ना। एक काम करें आप लोग अंदर जाए, मैं चाय पानी का बंदोबस्त करता। आए आए आए, आ जाओ बाबा आ जाओ, चलो चलो। अरे बाबा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? चल जा हट, मालिक को भेज अपने मालिक को। अरे बाबा मैं मालिक हूँ यहाँ का। लगता तू हमसे भी सीनियर है। अरे बाबा क्या बात कर रही हो, क्या सीनियर क्या बकवास है बाबा ये। तमीज से बात करो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? नहीं। क्या तुम वाकई नहीं जानते मैं कौन हूँ? अरे नहीं बाबा मैं नहीं जानता हूँ। चल छोड़ इन सब बातों को, अल्लाह के नाम पे 3-4 हज़ार रुपए दे दे, जा दे दे। 3-4 हज़ार रुपए वीक में? क्यों कम है? चलो ज्यादा दे जाओ। पागल हो गई है क्या? अल्लाह तुझे ज्यादा तरक्की देगा, तुम्हें नौकर से चौकीदार बनाएगा और चौकीदार से चपरासी बना देगा, देते जाना अल्लाह। अरे बाबा क्या बकवास है, चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो बाबा जाओ जाओ। अरे बच्चों, ओ बच्चों, अरे किधर मर गया? अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम सलाम वालेकुम। आप कब आए? अरे बाबा मेरे को तो बहुत टाइम हो गया यहाँ आ हुए हूँ। अच्छा बात सुनो, इसको जानते हो? बाबा साईं शक्ल से तो जानवरों का डॉक्टर। वाह बच्चों कैसे पहचानता है बंदे को तुम, वाह 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 वाह। बाबा इसकी शक्ल ही जानवरों जैसी है इसलिए पहचान गया। नहीं पापा वो तो जानवरों के साथ रह रह के इसकी शक्ल ऐसी हो गई है ना। बाबा जानी मुझे मसरूफ भी काफी लग रहा है, काहे जा रहा है काहे जा रहा है। जानी ओ जानी, अरे बाबा सही आप, आपका तो पता ही नहीं चलता आप भला कब आते हो कब जाते हो। बहुत मजाक करती है। अच्छा इनसे मिलो, ये डॉक्टर। ठीक है भला, ये जब खा ले तो इसको मेरा सलाम कह देना। ठीक है ठीक है बाबा ठीक है। आप ये बताएं मुझे बाहर लेके क्यों आई है? अरे बाबा अंदर तो बुढ़े बात करते ना, नौजवान खुले में बात करते हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे नौजवान कहा। अरे नहीं बाबा वो तो मैं अपने आप को कह रही हूँ, अगर आपको इस बात पे खुशी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको भी मिला लेती हूँ। कितना मिलवाती है आप? क्या मतलब? मतलब मैं नहीं जानता क्योंकि मतलब ही नहीं हूँ मैं।
वैसे डॉक्टर साहब आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। क्या सोचा, साथ ही रखेंगी या? अरे बाबा आप शादीशुदा हैं? नहीं फिलहाल तो गुमशुदा हैं, शादीशुदा नहीं है। अच्छा अरे बाबा इसको क्या हो गया, ये क्यों भागी जा रही है? अच्छा बाबा बात सुनो, तुम ये जो है ना वो भैंसों का इलाज कर लेते हो ना बाबा? भैंसों का? हाँ बिल्कुल करते, अभी परसों की बात है, हमने 2 भैंसों को घोड़ा बना दिया और 3 गधों को जो है ना हमने भैंस बना दी, जबरदस्त दूध दे रही है वो। अच्छा यार ये ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन तुम डॉक्टर हो तो हो सकता है, भाई मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताए आपकी शादी हो गई है? आपसे तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा भाई। नहीं नहीं मैं अपने लिए नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ ना बाबा। नहीं भाई वाह, फिर रिश्ता पक्का समझू? बिल्कुल पक्का। इसका मतलब आप राजी है ना बाबा? अगर आप मेरी शादी भैंसों से नहीं करवा रहे तो भाई कमाल का मजाक करते हैं डॉक्टर साहब, फिर तो रिश्ता पक्का? वो भाई बिल्कुल पक्का, बारात अस्पताल में जाएगी एम्बुलेंस के जरिए और ये वलीमा होगा पागलखाने में। लो भाई रिश्ता पक्का, लो मैं पागलों को दावत दे दूं, रिश्ता पक्का हो गया। अरे बाबा जानी आप ये बताएं कि बगैर किसी को जाने पहचाने आप जरी ना कर रिश्ता उससे कैसे तय कर सकते? अरे बाबा जानता हूँ ना। अच्छा बाबा आप क्या जानते हैं उसके बारे में बताएं? बाबा देखो वो जानवरों का डॉक्टर है, वो भैंसों का और जानवरों का इलाज करता है ठीक ठाक तरीके से, और पता नहीं क्या क्या करता है बाबा वो। बस इतना ही बाबा जानी, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो कैसा है, कहाँ रहता है। बाबा वो बहुत मजाया बंदा है, इधर रहता है, पाकिस्तान में रहता है, इतना काफी है। पर मैं तो कहती हूँ कि एक बार ना जरीना से भी पूछ लेना चाहिए। आ गई। अगर आप लोग मेरे मुंह पे पूछेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी। हाँ तो बाबा तुम बताओ ना, तुमको कबूल है या नहीं है? बाबा साहब अगर मैं शर्मा के कमरे में चली जाऊँ तो फिर आप समझ जाना कि मुझे कबूल है। अच्छा, एक हाँ, दो मैं क्या ही बोलूं अब, ये तो टीवी पर घोड़े गधे देखे भी शर्मा के भाग जाती है। देखो बाबा उसने तो कबूल कर लिया, अपने राय बता दी, अब तुम लोग बताओ। नहीं बाबा जानी मैं तो इस बारे में कोई फैसला भी नहीं कर सकता। अब बाबा जानी मेरी तरफ से भी मतलब इनकार ही समझे ना? हाँ इनकार ही समझे। मैं भी आता हूँ बाबा जी। क्या आमद आ गई, कदम बढ़ाओ, आसमान को छू लो, पापी चूलो, पापी चूलो, हाय हाय। अरे जानी बाबा मेरा वो सफेद सलवार कमीज कहाँ है बाबा? जानी अरे बाबा मेरा सफेद सलवार कमीज। अरे बाबा ये सलवार कमीज तुम्हारे पास है, कैसे आया? बाबा देख दे रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अरे बाबा बकवास नहीं करो, ये बताओ कैसे पहना तुमने मेरा सलवार कमीज? अबे मुझे क्या पता, मैं अलमारी में घुसा और निकाल के पहन लिए। अरे बाबा तुम मेरी अलमारी में भी घुसा है, तेरे कपड़े निकाले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अबे कौन है? अबे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे बाबा बच्चू रुको, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चू भाई, ये क्या पकड़ा हुआ, छोड़े इसको। अरे बाबा इसकी इतनी हिम्मत के मेरी अलमारी में घुसा, मेरा सलवार कमीज निकाला और पहन कर यहाँ बैठा हुआ है। अबे तुम्हें मसला क्या दरपेश है, तुम्हारी अलमारी में घुसा वो या सफेद सलवार कमीज पहने इस पे एतराज है, या पहन के यहाँ बैठा हुआ इस पे एतराज है तुम्हारे को? अरे बाबा बकवास नहीं करो, हम तुम्हें मारेगा। अरे बच्चू एक मिनट, देखो डॉक्टर साहब ये हरकतें जो है ना तुमको जेब नहीं देती। अरे बाबा तुम डॉक्टर हो? डॉक्टर है? डॉक्टर? अरे डॉक्टर नहीं, आपको गलत समझी हुई, मैं शायर हूँ, शायर। ओ भाई क्या याद आया, लोग कहते हैं मुझे डॉक्टर डॉक्टर, पता नहीं कब बंद होगी इनकी टर्टर टर्टर, क्या बात है आमद आ गई, ये तो मैं लिखूंगा। पागल वागल लग रहा है मुझे बच्चू। वो भाई क्या आमद आई है कि पागल कह दिया आज इन्होंने जो कल तक अपने थे, उठा कर ले गए वो समोसे जो अभी चखने थे। वाह ये भी लिखूंगा। अरे बाबा मेरा दिल करता है इसको जान से मार दूं। नहीं अदा नहीं, ऐसा नहीं करना वरना मैं। चुप कर बाबा, देख नहीं रही है? मैं तो पहले कहती थी ये आदमी ना कोई पागल टाइप आदमी लगता है मुझे। अरे डॉक्टर साहब बाबा आपको क्या हो गया है? अरे किबला मोहतरम क्या आप मुझे बार बार डॉक्टर डॉक्टर कहे जा रहे हैं, मैं शायर हूँ। तो भाई याद आया, एक आमद आ गई कि लिखता हूँ अपने दर्द इस कलम से, लिखता हूँ अपने दर्द इस कलम से, इस पागल से कह दो बात ना करे मुझे भरम से।
अरे बाबा पागल क्या था, मैं इसको नहीं छोड़ू, मैं इसको नहीं छोड़ू। ये तो रजिस्टर पागल है भाई। अरे बाबा आपको अचानक से बला, ये क्या हो गया है? आप तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, मेरी आंखों में देखो, आंखों में क्या नजर आता है? क्या हम अब आ गई तेरी आंखों से दगा दिया जो प्यार का दिल में खेल है। तू लड़की कहीं से नहीं लगती, मुझे लगती चुड़ा ले। अरे बाबा, अरे बाबा मेरी बहन को चुड़ैल कहता है। सारे शेर लिखूंगा याद करके, क्योंकि मुझे हवाई जहाज पे ना मछलियों को सुनानी है। बाबा जानी देख लो आप, तेरे आंखों में जो लगता है वो प्यार का बेर है। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा मैं तो कहता हूँ उसे घर से चलता करें। अरे बाबा रुको रुको, बाबा तुम रुको तो सही, हम तो रुके हैं, उसको चलता करें ना। बाबा मुझको तो समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर को हुआ क्या है आखिर। अरे बाबा जाने कैसा डॉक्टर, आपने देखा नहीं, वो तो कोई नफ्सियाती शायर वायर है। अरे बाबा शायर है, मशरक भी तो डॉक्टर था ना। मरदा साहब पागल खाने में आपको पैदल लेके जाऊँ या अपनी गाड़ी में, किसको किससे मिला रहे हैं आप? माफी बाबा, माफी माफी माफी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि यार कम से कम उसको एक मौका देना चाहिए, मैं उसे बात करता हूँ। मर्जी आपकी। ये तो बच्ची है, बच्चू इसको समझाओ। देखो अगर वो डॉक्टर भी है और शायर भी है तो कितना बड़ा अक्लमंद इंसान होगा भाई। और तुम्हारी बहन तो ऐसे इंसान को जो है ना। बस 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 बाबा जानी, आगे एक लफ्ज भी मत बोलिएगा बस। जी आपका, आप तो वही डॉक्टर, मेरा मतलब है शायर हैं। ये कपड़े तो मेरे हैं, आपके पास कहां से आए? ये मेकअप भी मेरा है, मेरे कपड़े, मेरा मेकअप। दिमाग खराब कर दिया इस पागल है मेरा। बच्चू 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 जल्दी आओ। अरे बाबा अरे बाबा इनको कहीं देखा है मैंने? अरे ये तो मुझे उसी शायर डॉक्टर की बहन में लग रही है। बकवास बंद करो जानी, ये वही है और ये कपड़े और ये मेकअप ये मेरा है। हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मीना है, मीना, मुझे आप प्यार से मीना आंटी भी कह सकते हैं। अरे बाबा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे ख्याल से माना कि ये अंदर से मर्द है लेकिन लिबास तो औरतों वाला पहना हुआ, सोच समझ के हाथ लगाइएगा। ठीक है लेकिन मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, उतारो मेरा कपड़े। प्लीज प्लीज मैडम मैडम मैडम, गो के औरतों वाला लिबास पहना हुआ है लेकिन अंदर से तो मर्द है ना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? एक तो आपकी आंटी यूरोपिस्तान से आपसे मिलने आई, इतनी दूर से आप लोग ऐसी बातें करके मेरा दिल तोड़ रहे। ये भला यूरोपिस्तान भला किधर है? अभी तक तो वही है जहाँ मैं छोड़ के आई थी। देख लो बाबा ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, शराब पे से निकलो वरना पुलिस को बुला लेंगे। औरत पे जुल्म करते अपने मीनू आंटी को घर से निकालोगे? जुल्म की इंतहा हो गई, बचाओ मोहल्ले वालों बचाओ बचाओ। बच्चू साहब ये तो उल्टा अंदर कराएगी। अच्छा अच्छा बाबा तुम चुप कर जाओ, तुम्हें कोई नहीं निकालता घर से। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ हैंडसम मैन। सिर्फ कपड़े औरतों के हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बाबा जाएं जा भी मेरी जिंदगी बनने लगती है, खामा का कोई ना कोई मसला हो जाता है। चुप हो जा बाबा। अरे बाबा लानत भेज इस पे, ये तो कोई पागल लगता है। व्हाट यानी कि यूरोपिस्तान से आई हुई आंटी से ऐसी बदतमीजी करोगे? आने दो तुम्हारे पापा को, मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी। अरे बाबा कौन से अबू से शिकायत करोगी? बाबा मेरे बाबा जानी तो ये खड़े हैं। इतने चॉकलेटी, इतने खूबसूरत, इतने खूबरू, आप अभी तक क्या कवारे हैं? रहने दो मैं क्या धुआं छोड़ती हूँ, मुझे पकड़। अरे बाबा उसने तो पागल कर दिया है। पागल कर दिया? हाँ कर दिया, पागल कर दिया। अरे बाबा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, ये मुसीबत आई कहाँ से? सही ना, तुम तो अपने कमरे में ही रहती, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे कमरे में चला जाए। हाँ भाजाई आप मेरे साथ मेरे कमरे में रहना, बाबा मेरे को बहुत डर लगता है। हाँ सीमा जरीना बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम इसके साथ इसके कमरे में रहना बाबा। हाँ भला लेकिन ये मुसीबत आई कहाँ से? मुसीबत आई नहीं है, लाई गई है, और कोई नहीं आपके बाबा जानी। सर ये बताएं
कि बचपन से आपको ये शौक था या अभी हुआ है? कौन सा बाबा? यही चलते पंखे में उंगली देने का। अरे बाबा क्या बात करते हो, मेरे बाबा जानी है, तमीज से बात करो। हाँ हाँ, तो मैंने तमीज से ही पूछा है, जवाब नहीं देना तो ना दे, मैं चला जरा घर के काम कर दो। बाबा काम करो, काम नहीं करता है। अब सोचना ये है कि इस शायर डॉक्टर जो भी है इनको कैसे निकाले घर से बाहर। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाय 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 हाय, शादी के लिए संभाल के रखा था पूरे के पूरे पहले, सूट भी मेरा, कोट भी मेरा और टाई भी मेरी, शर्ट भी मेरी, मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझको। तुम्हारी औकात नहीं है, हाफ पतलून पहन के फिरो, फुल पैंट तुम पहनोगे। अरे बाबा अभी ये क्या ड्रामा है, बच्चे भाई देखो रजा रहे मेरे कपड़े पहन के बैठा हुआ है। अच्छा इधर आओ बाबा, इधर आओ। बाकी तुम्हारे कपड़े पहने बाबा, दाती कपड़े में। अरे बाबा अब तो तुमने मर्दाने कपड़े भी पहने हुए हैं, चलो निकलो घर से बाहर तुम्हारी में। आ मेरे आराम से, आराम से मेरे कपड़े, मेरे कपड़े। अरे बाबा ये क्या दौरा पड़ा है फिर तुमको? शट अप, चलो सारे मिलकर निकलो मेरे घर से, चलो निकलो दफा हो। ये भला तुम्हारा घर कैसे हुआ? एक बात का जवाब दो, ये घर किसका? अरे बाबा मेरा है और किसका है। गलत, ये हो ही नहीं सकता। अब ये तो सीमेंट बजरी सरिया और रेती का है। इस घर में कितने अफराद रहते हैं? चार। कौन कौन? मैं, बच्चू भाई, जरीना और सीमा मैडम। अबे तो ये ज़ईफ़ुल उमर शख्स नजर नहीं आ रहा, ये क्या फुटपाथ पे पड़ा रहता है क्या? अबे इनको मिला के और मुझे मिला के कुल छह लोग हैं, हुए ना तुम लोग पागल? निकलो चलो यहां से। एक और बात बताओ, इस घर में तमाम अफराद के नाम बताओ। कोई होशियारी नहीं करेगा, रुको मैं बताऊंगी। बच्चू, जानी, जरीना, मैं और मौला दाद बाबा साई। नहीं, सीमा, जानी, बच्चू, मौला दाद और टोनी शाह। अरे बाबा ये टोनी शाह कौन है? मैं, यानी कि इस घर में छह अफराद रहते हैं। इस घर के बारे में जितनी मुझे मालूम बात है इतनी तुम लोगों को नहीं है। इसका मतलब ये मेरा घर है, तुम इसके मालिक नहीं हो, निकलो घर से बाहर। नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? अबे मैं पूरे घर में ना पानी छिड़क के आग लगा दूंगा। पानी से आग बुझाई जाती, लगाई नहीं जाती। पहले मैं पानी छिड़क के पानी खत्म करूंगा ताकि कोई आग बुझा नहीं सके। मैं कहता हूँ पुलिस को बुला। चाचा ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। हाँ पुलिस को बुला लो। वैसे एक बात बताओ, ये पुलिस रहती कहाँ है? अरे बाबा तुमको नहीं मालूम पुलिस क्या होती है? अच्छा होती है, तो फिर तो पुलिस को जल्दी बुला लो, जरा दिल लगा रहेगा, लूडो खेल लेंगे उनके साथ। बाबा इसने मुझे पागल कर दिया है जानी। अरे बाबा मैं ही पागल था जो इसको मैं यहाँ ले आया। तुम पागल थे तो फिर ठीक कैसे हुए? ये घर कितने का होगा? ये 50 टन का होगा। वो वजन की नहीं रकबे की बात कर रहा है, ये 600 मुरब्बे मील का होगा। मैं तो इसे खरीद लूंगा। लेकिन मैं इसको रबड़ से मिटा दूंगा, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि कल तो स्कूल की छुट्टी है। स्कूल की छुट्टी है तो क्या हुआ, ये मैं किसी पहलवान से खरीद लूंगा घर। मेरी बात मानो, महीने की 50 तारीख को खरीदना बहुत नेक दिन है। झाइलो बेवकूफो, एक महीने में 50 तारीख नहीं होती। तो फिर कितनी होती है? मुझे पता है, मैं बताऊं? बताओ। चलो हम सब मिलकर दरख्त पर चढ़ते हैं और वहां से आकर चांद पर चढ़ के छलांग लगाते हैं। वो जी हम लोग सब पागल हैं, नामी पागल खाने से आए हैं। वो हमारी आगे गाड़ी उलट गई जिसमें 3 मर्द और 2 ख्वातीन पागल थी। आपने उनको कहीं देखा है? उनको कहीं देखा है नहीं, ड्राइवर ने देखा था, वो जख्मी है। तो फिर आप उनको पहचान लेंगे कैसे? अरे इतना हमारा तजर्बा है, देखते ही पहचान लेंगे। अच्छा हमें मिलेंगे तो हम बता देंगे, हम जा रहे हैं ऑफिस खाना खाने। मैं भी जा रहा हूँ स्कूल, मुझे शॉपिंग करनी है। आप पागलों से बच के रहिएगा, बहुत खतरनाक होते हैं वो। अरे बड़ा मजाक करते हैं आप लोग। अरे हमारा तो रोज का काम है, हम उन्हें देख लेंगे, आप लोग जाइए अपने अपने कामों पे। मुझे लगता है ये लड़के इस घर को देख रहे थे। मेरा भी तजर्बा यही कहता है, पागल जरूर इसमें होंगे। आओ अंदर चल के देखते हैं। आ जाओ मीटर तैयार है।
आखिरी सवाल। बस कर दे भाई, बस कर दे, हम पागल हो गए। पागल होने गए, तुम लोग शुरू से पागल हो। इससे पहले कि मैं पागल खाने से लोगों को बुला के तुम लोगों को पकड़वा दूं, यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ सारे बाहर। ये कौन? अरे बाबा, अरे ये खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। देखा, मैंने नहीं बोला था कि पागल खाने से लोग आ जाएंगे? अब आ गए, भुगतो। अच्छा, तो देखा अपने सारे पागल यहाँ पर हैं। मैंने कहा था ना। अरे बाबा, कौन पागल? होश में तो पागल हम सब नहीं है, पागल ये। हर पागल यही बोलता है। आप फिक्र न करें, हमारे पास तरकीब है। क्या मतलब, कैसी तरकीब? हम पागल नहीं है, क्या बदमाशी है ये हमारा घर है। बाबा, हमें तो आप लोग पागल लग रहे हैं। हर पागल दूसरे आदमी को पागल ही कहता है। तू तार लगा, खुलिया तो देख, आधा सरकारी आधा गैर सरकारी, ये तो पक्का पागल लगता है। तार लगा ली तूने? जल्दी से लेकर आ। जूस का मूड नहीं है अभी वैसे। अबे लग गई तार, और लगा इसको आधे पागल को। अलाजीत भाई, नहीं करो। अरे बाबा, बेहोश हो गया। अरे बाबा, क्या कर दिया है? मैं मालिक हूँ यहाँ का, इसको बेहोश कर दिया तुमने। मालिक, हुलिया देख अपना हुलिया, लगा इसको भी। नहीं बाबा। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये बच्चों मेरा शोहर है जिसको आपने क्रट लगाया है। मैं मालकिन, इस घर की आधी मालकिन। अरे पूरी पागल, आधी मालकन बन के घूम रही है, लगा इसको भी। नहीं नहीं, ना, ना। वो बांग्लादेश की 3 विकेट गिरा दी। खबरदार, मेरे को पागल कहने की कोई जरूरत नहीं, वरना गांव से सब लोगों को इधर बुला लूंगी। शहर में रहकर गांव की बातें, लगा इसको भी। नहीं बाबा, मैं मेरी बात तो सुन। अरे छोड़ो। अरे नहीं बाबा, नहीं, देखो मैं इस घर का बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, जरा मेरा तो ख्याल करो बाबा। ओहो, सबसे बड़ा पागल, इसको तो लगा, ओ टिका के लगा, इसको टिका के लगा। अब चल, जल्दी चल, तार निकाल, तार। जल्दी कर। अबे इनको कौन उड़ाएगा, मैयत पड़े पड़े सड़ नहीं जा गई। अब ओ गाड़ी भेजियो पागल खाने से भाई, ओ बर्फ लगा के। हाँ, मेरे को निकालने आए थे घर से। बाबा, लस्सी की आवाज आ रही है, मैं भी लस्सी पीऊंगी। बच्चू भाई, अब तो बाल्टी बनती है। अरे बाबा, तमीज से बात करो, बहन है मेरी, भैंस नहीं है। अगर भैंस होती भी तो भला भैंस तो कौन सा पी लेती। अरे बाबा, वो बाजरे की रोटी और साग फौरन बनाओ बाबा, भाजी भी साथ बनाना, मेरे दोस्त बाहर आ गए। बच्चू भाई, अपने दो हाथ यहीं छोड़ के चले जाएं, इन दो हाथों से तो एक वक्त में एक ही खाना बन सकता है। आपकी गाय खुद भागी है। अरे बेग साहब, कैसी बातें करते हो, वो कैसे भाग सकती है? क्यों, गाय क्या अपाहज थी? अरे बेग साहब, कैसी बातें करते हो आप, वो तो लकड़ी की बनी हुई गाय है बाबा, वो कैसे भाग सकती है? अरे बाबा, 10,000 की क्या बात करता है, 1,00,000 रुपए लिखवाओ बाबा, मेरी गाय है। क्या, 1,00,000 रुपए? किधर गए? चलो बाबा, किधर गए? मेरा ख्याल है ढूंढने गए, बगैर वक्त जाया किए। इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।